हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म भीमा की, जो दुनिया विजय की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है। विजय इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और ये फिल्म ड्रग्स की लत और इसके खतरों पर आधारित है। विजय ने इस फिल्म के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह फिल्म उस संदेश को पूरी तरह से दर्शकों तक पहुंचा पाती है? चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। दोस्तों, सबसे पहले हम विजय की पिछली फिल्म सलगा की बात करेंगे। सलगा में विजय ने एक एंटी हीरो का किरदार निभाया था, जो सुधार किए हुए गुंडों के लिए लड़ता है। वहीं भीमा में विजय ने ड्रग्स से मुक्त समाज की जरूरत पर जोर दिया है। विजय को ऐसा लगता है कि उन्हें उग्र पुलिस अधिकारियों का किरदार लिखना बहुत पसंद है। सलगा में हमने देखा था कि कैसे धनंजय ने एक क्रूर पुलिस अधिकारी की भूमिका में विजय के किरदार पर हावी हो गए थे, और भीमा में भी विजय एक बार फिर दूसरी भूमिका में नजर आते हैं, जबकि प्रिया शतमर्शन फिल्म की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर बनकर उभरती हैं। उन्होंने एक निर्दयी लेकिन ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है, जो दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। अब बात करते हैं सलगा और भीमा की पटकथा की। सलगा ने जहां मनोरंजन के साथ संदेश को बेहतरीन तरीके से पिरोया था, वहीं भीमा में विजय ने अपनी पटकथा में बहुत सारे विचार भर दिए हैं, खासकर दूसरे हिस्से में, और यही कारण है कि फिल्म एक मिलाजुला अनुभव बनकर रह जाती है। फिल्म की कहानी एक अनाथ भीमा विजय के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक मैकेनिक रामन्ना अच्युत कुमार ने पाला है। भीमा की मुलाकात एक ड्रग डीलर ड्रैगन मंजू से होती है, जो एक रैकेट चलाता है और युवाओं की जिंदगी को खतरे में डालता है। भ्रष्ट मंत्री इन गरीब लोगों का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। फिल्म में विजय के विचारों की बाढ़ के बीच हमें पुलिस अधिकारी गिरिजा और फीमेल लीड अश्विनी के किरदारों में अच्छी लिखाई का एहसास होता है। गिरिजा का निर्भीकता भरा रवैया, जो एक पुरुष प्रधान अहंकारी दुनिया में अपराध और राजनीति के खिलाफ खड़ा है, एक ताजगी भरा अनुभव है। गिरिजा का किरदार युवा लड़कों और लड़कियों को नियमों का पालन करने और खतरनाक आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं फिल्म के विजुअल्स और इसकी शूटिंग की। विजय ने फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु के कलासिपलिया और एसपी रोड जैसे छोटे गलियों और घनी आबादी वाले घरों में की है। जो लोग इन हिस्सों में नहीं गए हैं, उनके लिए ये फिल्म एक नए अनुभव की तरह है। फिल्म की दुनिया को चारण राज के डायनामिक स्कोर ने और भी जीवंत बना दिया है, जो हर गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक सुखद सरप्राइज लाता है। विजय ने हमें लगातार रोचक किरदारों से भी रूबरू कराया है। अब बात करते हैं फिल्म के दूसरे हिस्से की। यहाँ फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। विजय ड्रग स्कैंडल को गहराई से दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नया सामने नहीं आता और फिल्म बहुत ही ज्यादा ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों पर व्याख्यान देने वाली बन जाती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। आखिरी एक्ट में भीमा एक प्रेडिक्टेबल फिल्म बन जाती है, जो दर्शकों की पसंद के हिसाब से खेलती है। एक संवेदनशील मुद्दे को संभालना और उसे महिमामंडित न करना एक कठिन काम होता है। फिल्म का इरादा युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने का है। कुछ जगहों पर फिल्म इस बात को अच्छे से स्पष्ट करती है, लेकिन कई दृश्यों में युवा पीढ़ी की गलत राह पर चलने की तस्वीर दिखाने का तरीका गलत संदेश भी दे सकता है। आखिर में एक अभिनेता के रूप में दो दशक बिताने के बाद विजय अब निर्देशन में पकड़ बनाने लगे हैं, लेकिन उन्हें एक सशक्त लेखक की जरूरत है, जो पंचलाइनों से आगे बढ़कर लगातार एक बेहतरीन कथा पेश कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू फिल्म भीमा पर। फिल्म में जहां एक तरफ संदेश है, वहीं दूसरी तरफ उसे ठीक से प्रस्तुत करने में कुछ कमियां भी हैं। अगर आप दुनिया विजय के फैन हैं या आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो समाज के मुद्दों पर बात करती हैं, तो भीमा आपको देखने लायक लग सकती है। लेकिन फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।